दूसरा हंसने की बात नहीं है, ये हम पे हो रहा है। अगर ये बच्चे 10-11 साल में इस तरह की सोच रख रहे हैं तो 18 साल की जब हो जाएंगे तो क्या होगा हमारे मास्टर का? सोचो आप, आज आज नौजवान तुम हो, कल तुम बाप बनोगे, कल तुम दादा बनोगे, तो तुम कौन सी नस्ल को निकाल कर सामने ला रहे हो? दिल्ली नौजवान 16-17 साल के प्लेन में बैठो में, अरे सर भाई एक सेल्फी हो जाए, मेरा ले लो भाई, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी ले लिए, मैं आप क्या करें, इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया आपकी के दिन असद भाई के साथ प्लेन में बैठा, फिर मुझे फेसबुक पे डाल दिया। अरे मेरे भाई, अगर अपनी फेस को देखना है तो कुरान में देखो, कुरान पढ़ो, वो बुक है जो तुम्हारे चेहरे को काला होने नहीं दे रही जंग के मैदान में, वो बुक पढ़ो, मगर नहीं तुमको फेसबुक की पढ़ेंगे। हाँ, तुम्हारा कारोबार है, काम है, जिंदगी के जरूरियात को पूरा करना है, यकीन इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक सब है, मगर कुछ भी काम नहीं है। मैं अपडेट करना रात के 1 बजे अपडेट कर रहे, अभी चाय पिया, हज को जा रहे, उमरा कर रहे, हैरान बहन के अल्लाह की याद नहीं कर रहे, फेसबुक पे लाइव डाले, देखो मैं फिर कागज बता रहे। अरे छोड़ दे वहां पर, कम से कम वहां पर तो छोड़ दे, वहां पर तो गुम हो जा उस कागज को लेकर अल्लाह का खौफ फैला कर, मगर वहां की दुनिया को नहीं छोड़ दे। हद तो यह हो गई कि मस्जिद नबवी में है, मस्जिद नबवी में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जहां पर मलाई का एक मरतबा है तो दूसरी मरतबा नहीं आते, वहां पर दिखा रहे कि जाने वाले तू तो क्यों, क्या है मेरे पास, क्या कर रहे तुम लोग, कहां जाकर बैठोगे? ये चीज काम में आने वाली नहीं है, याद रखो। मेरी गुफ्तगू अगर तल्ख रखनी है तो मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा बेटा हूं,